हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बताएंगे। जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 801 का ग्राइंडर आया है। और जैसे फ्रेंड्स इसमें जो फॉल्ट है, तो जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो हमने इसकी जो स्विच को है ऑन कर दिया। और जैसे फ्रेंड्स इसमें जो फॉल्ट है, इसमें बॉडी शॉट आ जा रहा है। जैसे फ्रेंड्स कभी कभी आ रहा है और कभी कभी नहीं आ रहा है। तो जैसे फ्रेंड्स हमने इसे सीलिंग में चेक करके बताएंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने इसकी स्विच को है ऑन कर लिया है और हमने इसे सीलिंग में चेक कर लिया। जैसे फ्रेंड्स मशीन तो हमारी घूम रही है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स करंट आ रहा है फिर जा रहा है। तो जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो, ये फ्रेंड्स कभी कभी दिखा रहा है करंट और कभी कभी नहीं दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार आर्मेचर भी ख़राब हो सकते हैं या फील्ड भी ख़राब हो सकती है। जैसे फ्रेंड्स को आज की वीडियो में बताएंगे हम कोई भी एक सामान जो फ्रेंड्स ख़राब होगा। जैसे फ्रेंड्स इसका फॉल्ट देखने के लिए हमारे मशीन को पूरी तरीके से ओपन कर लेना है। तो जैसे फ्रेंड्स हमको सबसे पहले इसकी कार्बन को निकाल लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए होंगे फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। इसी प्रकार के पावर टूल से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम इसी के फटाफट से खोल लेते हैं, कार्बन को निकाल लेते हैं और पूरी इसको ओपन कर लेंगे फ्रेंड्स, फिर बताते फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स हमारी मशीन पूरी तरीके से खोलकर हो चुकी है। जैसे फ्रेंड्स हम पहले इसके आर्मेचर को चेक कर लेंगे फ्रेंड्स, कहीं बॉडी शॉट तो नहीं हो गया आर्मेचर। जैसे फ्रेंड्स आर्मेचर जो है बॉडी शॉट नहीं दिखा रहा है। जैसे फ्रेंड्स इसको साइड में रख देते हैं और जैसे फ्रेंड्स इसके जो फील्ड में ही बॉडी शॉट आ रहा होगा तो बताएंगे फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं इसे फटाफट से बाहर निकाल कर चेक करेंगे फ्रेंड्स। ऐसे में तो दिखा रहा है बॉडी शॉट, लेकिन बाहर खोल के दिखाएंगे फ्रेंड्स हम फील्ड को कहाँ से शॉटिंग हो रही है। फ्रेंड्स आप पूरा फुल वीडियो देखोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रेंड्स, या तो फिर आप ऐसे वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ फ्रेंड्स, तो इसके बारे में पूरी फुल नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। जैसे फ्रेंड्स इसके जो फील्ड आर्मेचर कैसे निकालना है तो इस वीडियो में देख लीजिए। जैसे फ्रेंड्स हैमर के साथ आप इस प्रकार से ठोक लेना फ्रेंड्स, और ये जो फील्ड हमारी बाहर आ चुकी है। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो है फ्रेंड्स, ये फील्ड को हमें चेक करके दिखाएंगे आपको। जैसे फ्रेंड्स देख बने रहिए आप इस वीडियो में। जैसे फ्रेंड्स इसकी जो फील्ड है फ्रेंड्स, फील्ड शॉर्ट हो चुकी है। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। जैसे फ्रेंड्स इस वजह से भी फ्रेंड्स, जैसे इसका जो पीछे साइड का जो बेरिंग है फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। और देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो शाफ्ट का जो गाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो गाला बन चुका है। इस वजह से ये फ्रेंड्स ये आर्मेचर फील्ड से घिसटा कर यहाँ पर धोके ऊपर जो है फ्रेंड चल गया है। तो जैसे फ्रेंड्स हम इसका जो पीछे वाला बेरिंग बदल देंगे। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो बेरिंग है बहुत पूरी तरीके से ले हो गया है। जिस पर हम ऐसी कई सारी गलती कर देते फ्रेंड्स, जो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं।
जिस फ्रेंड देखते हो ये जो ओरिंग के साथ है, और देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो है इतना प्ले है। अब जैसे फ्रेंड्स अगर से आप आर्मेचर फील्ड नया डाल रहे हो फ्रेंड्स, तो एक बार बेयरिंग को चेक कर लेना आपको, या तो फ्रेंड्स हो सकता है तो नई बेयरिंग को दोनों साइड इंस्टॉल कर देना, जिससे फ्रेंड्स जो मशीनों की सर्विस बहुत बढ़ जाती है। या तो फ्रेंड्स क्या होता है कई बार हम इस बेयरिंग को नहीं बदलते और इस वजह से ऐसी फील्ड, जैसे फ्रेंड्स हमने जो नई फील्ड को ला लिया है और जस्ट फ्रेंड्स का जो बेयरिंग है पुराना वाला हम उसे भी चेंज कर देंगे, इसमें नया बेयरिंग डाल देंगे। देख लो इसे कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे फ्रेंड देख सकते हो इसमें दो दो ओरिंग लगी हुई थी, किसी मिस्त्री ने लगा दिया होगा। जैसे फ्रेंड बने रहिए आप इस वीडियो में, जैसे फ्रेंड्स कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स कमेंट करके।